हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट रसमलाई। तो ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक पतीले में ले लेंगे दूध। यहाँ पर मैंने लगभग आधा लीटर जितना दूध लिया है। उसके बाद हम इसे एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे और फिर गैस को बंद करके इसके अंदर हम थोड़ा सा विनीगर या नींबू का रस डालेंगे ज़रूरत अनुसार और दूध को फाड़ेंगे। इसी तरीके से देख सकते हैं पूरा जो हमारा पनीर अलग हो चुका है। तो अब हम एक बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक छन्नी रख दिया बड़ी वाली। इसके ऊपर हम रख देंगे कोई भी पतला सा कपड़ा, किचन का एकदम साफ कपड़ा लीजिएगा। और ये जो हमारा पनीर है हम इसे इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसे ठंडे पानी की मदद से क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद हम इस कपड़े को फोल्ड करके इसके अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे पूरा निकाल देंगे और इसे 10 से 15 मिनट ठंडा होने साइड में रख देंगे। फिर हम एक कढ़ाई में रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाना होगा जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा हम गैस को एकदम स्लो कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप जितनी चीनी, स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हम इसे भी अच्छे से चलाएंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे केसर की थोड़ी सी कलियाँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर, स्वाद अनुसार कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर डाला। उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता, बारीक कटी हुई बादाम डाल देंगे स्वाद अनुसार। और फिर हम इसे भी अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे केवल 1 मिनट के लिए। और फिर हम गैस को बंद करके इसे एकदम ठंडा होने रख देंगे। उसके बाद हम हमारा पनीर ले लेंगे, इसे एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे हम इसी तरीके से। बड़ी सी प्लेट लीजिएगा और ये देख सकते हैं कितना क्रम्बली हो गया हमारा पनीर। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फिर हमें इसे अपने हाथों की मदद से गूंदना होगा जैसे हम रोटी का आटा गूंदते वैसे। फिर जैसे ये हल्का सा बाइंड होने लग जाए हम इसके अंदर एक छोटी चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शन है, इससे इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। फिर हम इसे प्रेशर लगा के 8 से 10 मिनट के अच्छे से गूंद के इसका एक आटा जैसा तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसके का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर अपने हाथों के बीच लेके इस तरीके से हथेलियों के बीच रोल करके रसमलाई का शेप दे देंगे। देख सकते हो आप, इसमें चेक कीजिएगा कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे थोड़ा और गूंद दीजिएगा। इसी तरीके से मैंने बाकी की सारी डोस मिक्सचर से भी गोलियाँ बना दी हैं। फिर हम एक कढ़ाई में 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे लगभग 3 से 4 कप जितना पानी। और इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से उबलने देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाती। बिल्कुल इसी तरीके से इसे अच्छे से चलाते हुए पकाइएगा। और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर हमारी जो रसमलाई की गोलियाँ हमने तैयार की वो डाल देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पर उबलने देंगे बिना टच किए इसे। और 5 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा लेंगे और उसके बाद इन सारी गोलियों को हम एक चम्मच की मदद से फ्लिप कर देना यानी पलट देंगे ताकि अच्छे से पके। और 10 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद गैस को बंद कर लेंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जैसे ही हमारी गोलियां थोड़ी सी ठंडी हो जाए हम इन्हें इस तरीके से इसके अंदर से थोड़ी सी चाशनी को निकाल के इसे हमारी रबड़ी में डाल देंगे और इसे कम्प्लीटली रबड़ी की मदद से कवर कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और इसे सोख होने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे ऐसे ही रख लेंगे। और ये लीजिए हमारी स्वादिष्ट रसमलाई जो है बन के तैयार है। आप इसे जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। इसे थोड़ी रबड़ी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है।